स्टूडेंट्स कंप्यूटर पर कृति देव फॉन्ट पर हिंदी टाइपिंग करने के दौरान स्वर और व्यंजन को कैसे टाइप करते हैं आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे। अक्सर हिंदी में जितने भी सारे वर्ड्स तैयार होते हैं वो आपका स्वर और व्यंजन मिला के होते हैं, और कंप्यूटर पर अगर आप टाइप करते होंगे तो आपको पता होगा कि होम रो, टॉप रो, बॉटम रो, नंबर रो और इसके अलावा कुछ शॉर्टकट की का भी यूज किया जाता है। और हिंदी में बहुत सारे लेटर ऐसे हैं जो आपका आधा होता है, पूरा बनाना पड़ता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट हिंदी के लेटर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्वर और व्यंजन टाइप करने के लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, क्योंकि किसी भी ऑफिस में लेटर, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर तैयार किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया हुआ है, इसमें अब आपको हिंदी लिखना है। तो इसके लिए फेस चेंज करना होगा, और आपको पता है कि हिंदी लिखने के लिए हम लोग ज्यादातर कृति देव फॉन्ट का यूज करते हैं। इस पर जब क्लिक करेंगे ये लिस्ट ओपन होगा, और इसमें कृति देव का 10 नंबर फॉन्ट हम लोग यूज करेंगे, और साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो भी कुछ हम यहाँ पर लिखेंगे ये आपका हिंदी लैंग्वेज पर लिखाएगा। और सबसे पहले हम स्वर लिखेंगे और इसके बाद व्यंजन। तो स्वर में आपको पता होगा अ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ये जो होता है ये आपका स्वर में आता है। और ये टाइप जब करेंगे आप तो उम्मीद है कि हिंदी टाइपिंग में बहुत सारे वर्ड लिखने के दौरान जो कंफ्यूजन होता है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए अ लिखना है। अ तो आपको पता है कि कीबोर्ड में ऐसे भी आता है, भी प्रेस करके आप अ लिख सकते हैं। इसके बाद आ भी प्रेस करेंगे और इसमें के लिख के हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, इसके बाद हरसई, हरसई के लिए आप बी प्रेस करें, फिर दीर्घई के लिए क्या है, फिर आप यहां से बी प्रेस करें और इसमें ऊपर र लगाने के लिए आप शिफ्ट के साथ जेड प्रेस करें। इसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि दीर्घई कैसे लिखेंगे, यानी हरसई लिखने के बाद उस पर आप र लगाएंगे तो दीर्घई बन जाता है। नेक्स्ट आपका हर्षव, हर्षव तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हर्षव के लिए आप एम प्रेस करेंगे, ये होगा। लेकिन अब आपको दुर्गव लिखना होगा, तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि दुर्गव कंप्यूटर के किसी भी बटन में नहीं है। इसके लिए आपको शॉर्टकट की यूज करना होगा, और शॉर्टकट की अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट की है आपका अल्ट के साथ 0197। ठीक है, ये दुर्गव आया। नेक्स्ट आपका क्या है, री, री तो आपके कीबोर्ड में है, शिफ्ट के साथ माइनस बटन प्रेस करेंगे, जो डैश का होता है उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका ए, ए तो आपका ऐसे टाइप कर पा रहे हैं, कॉमा में आपको मिलेगा। इसके बाद ए, ए के लिए आपको जो है कॉमा लिखेंगे, एकर आया, और इसमें एक एकर की मात्रा लगाने के लिए आप एस प्रेस करें। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ओ, ओ में भी देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन है। इसमें पहले हम भी प्रेस करेंगे और आएगा, के प्रेस करेंगे आकार की मात्रा होगा, और इसके बाद एस प्रेस करेंगे तो एकार की मात्रा, यानी तब बनेगा ये आपका ओकार। ठीक है, नेक्स्ट आपका अ है, फिर इसमें भी प्रेस करें और लिखाया के, और अब शिफ्ट के साथ एस प्रेस करेंगे तो दो बार एकार की मात्रा मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है अन, तो भी प्रेस करेंगे और ए प्रेस करेंगे तो अनस्वर आएगा। फिर इसके बाद क्या है, अह, यहां से भी प्रेस किए और शिफ्ट के साथ आप यहां से फाइव प्रेस करें। तो ये जितने भी सारे हैं ये आपका स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, व्यंजन। अब देखिए ना, अगर व्यंजन ही हमको लिखना पड़े तो व्यंजन में आधा व होता है, तो इसके लिए क्या होगा, आप व आपको पता होना चाहिए कहां पर है, तो वह आपका ओ में मिलेगा, लेकिन शिफ्ट के साथ ओ प्रेस करेंगे तो आधा होगा। फिर य, फिर यहां से ए प्रेस करके अनुस्वार, ज लिखने के लिए आप यहां से टी प्रेस कीजिए, और न लिखने के लिए आप यहां से यू प्रेस कीजिए। ये हुआ आपका व्यंजन। इसको अगर बीच में लाना हो तो आप यहां से सेंटर पे क्लिक करें। ठीक है, नेक्स्ट आपका व्यंजन है ना, ये ऊपर वाला स्वर है, यहां भी लिख देते हैं। ठीक है, स्वर में भी देखिए आप दंत स्वर लिखेंगे तो इसके लिए एल प्रेस करेंगे, लेकिन ये आपका पूरा स्वर है, आधा करना होगा, तो
तो शिफ्ट के साथ जब एल प्रेस करेंगे तो आधा आया, और इसके बाद व लिखने के लिए आप ओ प्रेस करेंगे और रॉ के लिए जे, ठीक है। और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सेंटर, ठीक है, अलाइनमेंट चेंज कर लीजिए। तो ये आपका स्वर हुआ, और इसके बाद व्यंजन। व्यंजन में क्या आता है, आपको पता होगा क, च, ट, त, प, य वाला जो होता है ये आपका व्यंजन होता है। तो सबसे पहले क लिखेंगे तो डी प्रेस करना है, क। ख लिखने के लिए क्या होता है, आप ओपन ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो क ख आया, लेकिन ख जो है ये आपका आधा है, इसको पूरा करना होगा तो के प्रेस करेंगे, ठीक है। यानी बहुत सारे लेटर ऐसे हैं जो आधा होता है, उसको के प्रेस करके पूरा करना होता है, ठीक है, डायरेक्ट आपको पूरा नहीं मिलेगा। और कुछ ऐसा लेटर है जो शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आधा करता है, यानी ज्यादातर हिंदी टाइपिंग में यही होता है कि शिफ्ट के साथ प्रेस करने से आधा होता है, लेकिन बहुत सारे लेटर ऐसे भी हैं जिसका आधा नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका ग, ग तो आपको ऐसे मिलेगा एक्स में, है ना। फिर आपका घ, घ के लिए भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, आप शिफ्ट के साथ स्लैश प्रेस करेंगे तो घ आएगा, लेकिन ये आधा घ आया, इसको पूरा बनाना पड़ता है, पूरा बनाने के लिए के प्रेस करेंगे तो पूरा बनेगा, ठीक है। क, ख, ग, घ, इसके बाद अंग, अंग के लिए आप बनाना पड़ता है उस तरह से, पहले आप ड लिखेंगे तो शिफ्ट के साथ एम प्रेस करेंगे, ड आया। बिंदु देने के लिए आप माइनस वाले सिंबल को प्रेस करें, ठीक है, ये क, ख, ग, घ, अंग। फिर इसके बाद अगला क्या है, च, छ, ज, झ, इ। तो च के लिए आपको प्रेस करना है पी या च, छ के लिए आपको प्रेस करना होगा शिफ्ट के साथ एन, ठीक है। ज के लिए आप टी प्रेस करेंगे, झ के लिए आप जो है शिफ्ट के साथ पॉइंट यानी बिंदु जो होता है वो प्रेस करें, और अब आता है य, और य आपको किसी भी बटन में नहीं है, इसके लिए आपको शॉर्टकट की याद करना होगा, और शॉर्टकट की होता है अल्ट के साथ 0165, ठीक है। हालांकि इसका शॉर्टकट की का जो नोट्स है, जो पेपर है, वो आपको कम्युनिटी में डाला हुआ है, आप वहां से चाहे तो फोटो डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका ट, ठ, ड, ढ, न है। तो ट के लिए आप शिफ्ट के साथ वी प्रेस करेंगे, ट आएगा। ठ आपको लिखना होगा तो शिफ्ट के साथ वी प्रेस करेंगे, ठ। ड के लिए आप शिफ्ट के साथ एम प्रेस करेंगे, ड आएगा। इसके बाद ढ के लिए शिफ्ट के साथ कॉमा प्रेस करेंगे तो ढ, और इसके बाद न, उसके लिए आप फुल स्टॉप प्रेस करेंगे तो न आया, लेकिन ये आधा आया, ठीक है, आधा आया, इसको पूरा करने के लिए क्या प्रेस करेंगे, के। शुरू से बता रहे हैं कि बहुत सारा लेटर ऐसा है जो आधा आता है, इसको पूरा करना पड़ेगा। जैसे इसमें व्यंजन में क्या मिला आपको, आधा घ मिला, आधा न मिला, ठीक है, ये सबको पूरा करना पड़ेगा और उसके लिए के प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है आपका त, थ, द, ध, न। त के लिए आप यहां से आर प्रेस करें, इसके बाद थ के लिए जो है आपको शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करेंगे, तो शिफ्ट के साथ जब एफ प्रेस करेंगे तो ये आधा थ आया, लेकिन आपको पूरा के प्रेस करके करेंगे, ठीक है। इसके बाद द होगा, द आपको एन बटन में मिलेगा। फिर इसके बाद ध, तो ध जो है आप शिफ्ट के साथ नहीं, शिफ्ट के साथ जब प्रेस स्लैश प्रेस करते हैं तो आधा घ आता है, लेकिन ध के लिए आप डायरेक्ट स्लैश प्रेस करें तो आधा ध आया और के प्रेस करके इसको पूरा करेंगे, ठीक है। यानी इसमें कंफ्यूजन ना होना, यानी स्लैश में आधा ध मिलेगा और शिफ्ट के साथ स्लैश में आधा घ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नौ, नौ के लिए आप यू प्रेस करें, ये नौ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका प, फ, ब, भ, म। तो प के लिए आप आई प्रेस करें, फिर इसके बाद फ, फ तो आपको मिलेगा शिफ्ट के साथ क्यू में, ठीक है, लेकिन इसी में फिर कंफ्यूजन है कि अगर आपको आधा फ लिखना होगा तो आपको शॉर्टकट की चाहिए, और शॉर्टकट की होता है अल्ट के साथ 20, यानी अल्ट प्लस 20 प्रेस करेंगे तो आधा फ आता है। इसके बाद आपका होता है ब, ब लिखने के लिए आप सी प्रेस करेंगे तो ब आएगा। और नेक्स्ट है भ, भ लिखना होगा तो आप शिफ्ट के साथ एश प्रेस करेंगे तो ये आधा भ आया और इसको पूरा के प्रेस करके करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका म, म आप ई प्रेस करेंगे तो म लिख आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, य, र, ल, व, तालबेसो। तो य आपको लिखना होगा तो सेमी कॉलम प्रेस करेंगे तो य आया,
रॉ के लिए आप जे प्रेस करेंगे, रॉ आया। लॉ के लिए आप यहां से वाई प्रेस करेंगे, ठीक है। व के लिए आप ओ प्रेस करेंगे। इसके बाद तालबेसो आपको मिलेगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, जो सेमी कॉलम के बगल में है। ये आधा तालबेसो मिला, लेकिन आधा मिला इसको पूरा करना पड़ेगा, तो के प्रेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मूर्धन्त सौ। मूर्धन्त सौ आप शिफ्ट के साथ जब प्रेस करेंगे, वही सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो आधा मूर्धन्त सौ मिला और इसको भी के प्रेस करके हम पूरा करेंगे। इसमें कुर्तिदेव फॉन्ट में ध्यान रखिएगा, तालबेसो नॉर्मली सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मिलेगा और शिफ्ट के साथ जब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देंगे तो मूर्धन्त सौ मिलेगा, और ये दोनों को के प्रेस करके पूरा करना होता है। फिर आपको दंत सौ आपको मिलेगा एल में, ये नॉर्मली पूरा ही आता है। इसके बाद ह लिखना होगा तो आप जी प्रेस करेंगे तो ह आएगा। इसके बाद अक्ष अगर आपको लिखना पड़ेगा तो शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट, ठीक है, जिसमें आपको ख मिल रहा था उसी में है आपका आधा अक्ष, और ये भी पूरा होगा के प्रेस करके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका त्र। त्र के लिए आप इक्वल टू प्रेस करें तो त्र मिलेगा। और इसके बाद ज्ञ। ज्ञ के लिए आप जो है शिफ्ट के साथ के प्रेस करेंगे तो ज्ञ मिलेगा। इसी तरह से स्वर में मात्रा कैसे टाइप करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो जैसे अब क्या करते हैं, हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ से जो स्वर लिखा हुआ है इसके नीचे ही हम इसका मात्रा यूज करते हैं। मात्रा मतलब जैसे चिन्ह होता है ना, वो कैसे टाइप करते हैं। तो अ के लिए तो आपका वो तो होता नहीं, आ के लिए क्या होता है कि आप यहाँ से के प्रेस करेंगे, ये आकर के मात्रा हुआ, ठीक है। ये नहीं, ये मात्रा है, लेकिन चेक कर लेते हैं, चेंज तो नहीं हुआ, चलिए ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद हर्षई। हर्षई की ऊपर वाली ये जो देख पा रहे हैं ना, ये हर्षई है, और उसके नीचे जो है ये हर्षई की मात्रा आपको देना पड़ेगा, और मात्रा के लिए आप यहाँ से एफ प्रेस करेंगे, तो ये उसका मात्रा मिला। फिर दीर्घई के लिए आपका क्या होगा, तो इसके लिए आप एश प्रेस करेंगे तो दीर्घई के मात्रा होगा, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ठीक है। यानी ये सब जो ये जो स्वर है और ये उसका मात्रा है, चिन्ह है। इसके बाद आप हर्षऊ। हर्षऊ के लिए आप तो ये लिखेंगे, लेकिन अगर उसका मात्रा अगर लिखना होगा तो हर्षऊ आपको मिलता है आपका क्यू में, ठीक है। और इसके बाद दुर्गऊ। दुर्गऊ के लिए आपको मिलेगा डब्लू में। इस तरह से जब आप वर्ड टाइप करते हैं, शब्द टाइप करते हैं, तब आपको जो है ये मात्रा का यूज करना होता है, ठीक है। इसके बाद री का तो यूज है नहीं, री का तो री का चिन्ह है नहीं। ए कार इसमें ये आपको मिलेगा एस में, ठीक है। ऐ कार है तो शिफ्ट के साथ आप एस प्रेस करेंगे तो ऐ कार की मात्रा होगा। इसके बाद ओकार। ओकार की मात्रा के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, क्या हो गया ओ की मात्रा। इसके बाद औ की मात्रा कैसे होगा, फिर आप के प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ एस प्रेस करेंगे तो ये हो गया औकार की मात्रा। और अन स्वर के लिए तो आप ए प्रेस करेंगे और अह के लिए शिफ्ट के साथ फाइव प्रेस करेंगे, ठीक है। ये हुआ ऊपर वाला स्वर और नीचे वाला उसका मात्रा, ठीक है। सेम इसी तरह से आप जो है ककहरा, आपको पता होगा बचपन में लोग पढ़ते थे, वो हम टाइप कर सकते हैं। चलिए वो भी दिखाते हैं ककहरा कैसे टाइप करते हैं। हालांकि ककारा को हम लोग बारह खड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अब हमको लिखना है, पहले क, तो डी प्रेस करेंगे क आया। फिर इसके बाद का, तो डी प्रेस करेंगे और के प्रेस करके का बनेगा। फिर इसके बाद की, यानी हर्षई की मात्रा होगा और क, ठीक है। फिर इसके बाद डी प्रेस करेंगे और दीर्घई की मात्रा देंगे तो ये होगा की, ठीक है। फिर इसके बाद कु, तो यानी डी प्रेस किए और क्यू प्रेस किए, ठीक है, ये हो गया हर्षऊ की मात्रा लग गया। फिर इसके बाद डी प्रेस करके क और डब्लू प्रेस करके दुर्गऊ की मात्रा, ये सब सारा जो है मात्रा लगा रहे। फिर इसके बाद के, तो डी प्रेस किए और एस प्रेस किए, के हो गया। फिर इसके बाद के प्रेस किए और शिफ्ट के साथ एस प्रेस किए तो के हो गया। फिर इसके बाद को, तो डी से क हुआ, के प्रेस करके आ कर दिए और इसके बाद एस प्रेस करके को, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, क, तो यानी डी क हुआ, के प्रेस किए, लाइन आया यानी आकर की मात्रा आया और शिफ्ट के साथ एस प्रेस करेंगे तो एकर की मात्रा, यानी दो बार, ठीक है, एकर की मात्रा औकर की मात्रा, शिफ्ट के साथ जब एस प्रेस करेंगे तो दो बार आएगा, ठीक है।
इसके बाद आपका डी प्रेस करेंगे और ए प्रेस करेंगे तो कान, और इसके बाद क, यानी डी प्रेस किए और शिफ्ट के साथ फाइव। तो ये एक क वाला हुआ। इसी तरह आप ख ग घ च छ ज झ ट ठ ऐसे करके सारा लिख लेंगे। तो उम्मीद है ये ककारा का जो है आप सारा लेटर वाला जो है जितने भी है सारा आप टाइप कर लेंगे। और इसमें टाइपिंग से रिलेटेड भी आपका बहुत सारा कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में जाइए या इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।